मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जिंदा व्यक्ति को अगर तैरना नहीं आता और वो पानी में गिर जाए तो वह पानी में डूब जाता है, लेकिन मृत शरीर पानी में डूबता नहीं है बल्कि ऊपर तैरता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिंदा शरीर पानी में डूब जाता है लेकिन मृत शरीर डूबने की बजाय ऊपर तैरता रहता है? तो चलिए आज देखते हैं हमारे वीडियो में और जानते हैं क्या है वजह इसके पीछे। कई बार आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है तो कुछ समय बाद उसकी लाश पानी की सतह पर आ जाती है। आप किसी प्लास्टिक के बंद डिब्बे को कुछ खाने की चीज जो जल्दी खराब हो सके से भर दें और उसे पानी में डाल दें, वो डब्बा पानी में डूब जाएगा। पर जैसे ही खाना खराब होने लगेगा डब्बा ऊपर आने लगेगा। कुछ दिनों बाद वो बंद डब्बा फट जाएगा और उसमें जो गैस बनी है वो बाहर आ जाएगी। मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही है। मरने के बाद शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, शरीर सड़ने लगता है। शरीर के सड़ने से गैस बनती है और वो गैस शरीर के डेंसिटी को कम कर देते हैं। दरअसल जिस किसी भी वस्तु का डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है वह वस्तु पानी में आसानी से डूब जाता है। इसी कारण जिंदा शरीर पानी में डूब जाता है, क्योंकि जिंदा शरीर का डेंसिटी ज्यादा होता है जिस कारण हमारी बॉडी पानी में डूब जाती है। किसी भी वस्तु का पानी पर तैरना उसके विशिष्ट ग्रेविटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पर निर्भर है। पानी का विशिष्ट ग्रेविटी 1000 है। जिस वस्तु का विशिष्ट ग्रेविटी पानी से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा। जब इंसान पानी में तैरता है और सामान्य रूप से सांस लेता है या उसके फेफड़ों में हवा रहती है, तब उसके शरीर का विशिष्ट ग्रेविटी पानी से कम होता है और वह नहीं डूबता। यदि वह पानी में डूबने लगता है तब उसके फेफड़ों में पानी भरने लगता है और इस अवस्था में उसके शरीर का विशिष्ट ग्रेविटी पानी से ज्यादा हो जाता है और वह डूब जाता है। मनुष्य के प्राकृतिक रूप से तैरने का कारण हमारे फेफड़ों में मौजूद हवा है। हवा शरीर के लिए एक कठिन बल के रूप में कार्य करती है, जिससे आपके लिए केवल एक स्विमिंग पूल के तल पर लेटना असंभव हो जाता है। एक लाश के मामले में हालांकि उनका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उनके फेफड़े भरते हैं या नहीं, अगर लाश पानी में गिर जाता है तो वे कभी भी नीचे नहीं डूबती, क्योंकि फेफड़ों से हवा निकलने का कोई वास्तविक मौका नहीं होगा। हालांकि अगर एक लाश को उनकी पीठ पर पानी में डाल दिया जाता है तो हवा बच सकती है, पानी अपनी जगह ले सकता है और शरीर जल्दी से डूब जाएगा। यदि कोई व्यक्ति डूब जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वे मर जाएंगे, क्योंकि पानी उनके फेफड़ों को भरता है। अक्सर शरीर अपने आप को शांत कर देगा क्योंकि पानी की उपस्थिति के खिलाफ विंड पाइप बंद हो जाता है। इस स्थिति में एक बॉडी संभावित रूप से नीचे डूबने से पहले अधिक समय तक तैर सकती है। जब एक जीवित व्यक्ति पानी में होता है और अगर वह सांस लेता है तो वह तैरता है, और सांस लेना बंद करता है तो वह डूबना शुरू कर देता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति के पास पानी के समान डेंसिटी हो जाती है। जब एक शरीर पानी में डूबता है तो वह इतनी गहराई तक जाएगा जब तक उसे कोई अवरोध नहीं मिलता। जैसे ही शरीर गहरे पानी में डूबता है, पानी का दबाव पेट और छाती के गुहाओं में गैसों को संपीड़ित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर कम पानी को विस्थापित करता है। यदि पानी गर्म है तो शरीर के भीतर गैस का निर्माण तेजी से होता है और शरीर एक या दो दिन में पानी पर आ सकता है। अगर पानी ठंडा है तो बैक्टीरिया की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है और शरीर के सतह पर दिखाई देने में कई सप्ताह लग सकते हैं। पानी में डूबने से मौत का मुख्य कारण फेफड़ों से पानी के साथ रक्त का प्रवाह कमजोर पड़ जाने से होता है। इस कारण ऑक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता में तेजी से कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जरूरी क्षेत्रों और श्वासावरोध में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, थोड़ा पानी फेफड़ों में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन की कमी एनोक्सिया 30 सेकंड के भीतर मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लैरिंगोस्पैज्म
मस्तिष्क की विफलता के साथ कमजोर पड़ने लगते हैं। मृत शरीर पानी में डूब जाता है तो शरीर में डीकम्पोजिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण में से एक ऊतकों में ग्लूकोज और प्रोटीन का जीवाणु डीकम्पोजिट होता है। मुख्य रूप से कोलिफॉर्म, क्लोस्ट्रिडियम और प्रोटियस प्रजातियां बैक्टीरिया गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जित करते हैं जो कुछ शरीर के अंगों को फुलाते हैं, मुख्य रूप से चेहरा, पेट और पुरुष रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फुलाते हैं। डूबने के कारण हमारे शरीर के फेफड़ों में पानी भर जाता है जिस कारण हमारी मौत हो जाती है। शुरुआत में बॉडी पानी में डूब जाता है लेकिन जब वो मृत शरीर सड़ने लगता है तो उसमें से गैस निकलने लगती है और वो शरीर को पानी में ऊपर की तरफ ले आता है। हमारे मरने के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देती है और ऐसे में बॉडी का डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है जिस कारण बैक्टीरिया, सेल्यूलोज और टिश्यूज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मृत शरीर में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और विभिन्न गैसों जैसे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि को शरीर से बाहर निकालने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर सड़ता है वैसे वैसे शरीर फूलता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता और ऐसे में जो गैस शरीर से बाहर निकलती है वो शरीर को पानी के ऊपर की तरफ लाती है और वो मृत शरीर पानी में डूबने की बजाय उस पर तैरने लगता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि काफ़ी रोचक जानकारी है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि सभी दोस्तों को पसंद आएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमें दूसरे भी सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।